Radio City Joke Studio. रेडियो सिटी जोक स्टूडियो दिव्या आपके साथ, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर, जहां जब मैं आती हूं अपने साथ एक कॉमेडियन ऑफ द डे लाती हूं। आज मेरे साथ सिराज खान। अब तो इनसे मिलकर आप भी जान गए, अकेले कभी नहीं आते। ये जब आते हैं बॉलीवुड की कई सारी आवाजें अपने अंदर से प्रकट करते हैं। आज बॉलीवुड में करेंसी को लेकर क्या चहल पहल है भाई। 500,000 के नोट गए हैं मार्केट से, चहल पहल तो वहां भी होगी ना। आइए सुनते हैं। बेटा राम प्रसाद, चलो बेटा हमारे इंडिया के गवर्नर का नाम बताओ। बेटा सर नहीं मालूम। ईश बेटा, वो तो हर नोट पे लिखा होता है। अच्छा अच्छा सर याद आया, सोनम गुप्ता बेवफा है। ईश सर एक बात बताओ, एक चूहे के सामने केक रखा गया और दूसरी तरफ चूहिया, लेकिन चूहा निकलते ही केक की तरफ भागा, ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा प्यार से बढ़कर भूख होती है। नहीं सर, वो चूहिया उसकी बीवी थी सर। ईश, कहाँ कहाँ से बातें लाते हो बेटा राम प्रसाद। बस सर कभी घमंड नहीं किया। ओके सर चलता हूँ, बाय। आपका दिन सुखमय, मंगलमय, एक्सचेंजमय, विड्रॉलमय और डिपॉजिटमय हो सर। ईश बेटा लाइन लगा दिया तुमने मुझे। रेडियो सिटी जोक स्टूडियो। यार तारा, मेरी बीवी काफी सुस्त हो गई है, क्या करूं? क्या करूं उसे फिट रखने के लिए? एक आइडिया है सर, जब भी वो सुस्त हो जाए उसे बस बोल दिया करो कि चूल्हे में दूध उबल रहा है, फिर देखना सर मिल्खा सिंह से ज्यादा तेज भागेगी। हाँ शोम शोम शामू शाशा, क्या आइडिया दिया है भाई। पता है अशरफ अली, शादी का एक फायदा तो है। ओ क्या? शादी से पहले मुझे सारी औरतों से डर लगता था, और अब? अब मुझे सिर्फ मेरी बीवी से डर लगता है। ओए, तू ऐसे जोक्स लाता कहाँ से है? बस मैं, पापा और छोटा सारा दिन बस यही तो करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ओए तारा एक रिक्वेस्ट है यार, कोई नौकरी दिलवा दे, आजकल बहुत मंदा है। हाँ मालूम है मालूम है, तुम्हारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस जो बंद हो गई है। क्या मतलब? एक काम कर, एटीएम के सामने रिक्शा सर्विस शुरू कर दे, लाइन में लगे लोगों को एटीएम तक पहुँचाए कर, बहुत कमाई है। ओए थैंक यू, शोम शोम शामो शाशा, लास्ट में मैं भी कुछ निकाल लूंगा। रेडियो सिटी जोक स्टूडियो। आ गए सबके सब नोट बदलवा के आ गए। ना ना भाई, मेरे तो नोट नहीं बदले। अरे जैसी शक्ल है तेरी, तुझे तो काला धन समझ के जब्त कर लेंगे। एक बात बता रहा हूँ, तू घर से बाहर मत निकला कर। ओके। क्या ओके यार, तू जैसे लोगों में तो कॉमन सेंस होती नहीं, मेंस टॉयलेट में लिख के आते हो सोनम गुप्ता आई लव यू। अरे सड़े हुए तंदूर, मेंस टॉयलेट में सोनम कैसे आएगी, कैसे पड़ेगी? और फिर कहते हो सोनम बेवफा है। माफ कर दो भाई, पता नहीं मैंने क्या गलती की है, फिर भी माफी मांग रहा, माफ कर दो बाबा। ए चुप, ये मैठनी नहीं है, फिर भी पेट्रोल पंप जाके पूछोगे पेट्रोल कैसे दिए, फिर बोलेगा 3 तीखी मिर्च दे दे, रोहिणी तक जाना है। ना ना भाई। अरे चुप, तू जैसे लोगों की शक्ल लोग घरों के सामने लगाते हैं ताकि बुरी नजर बिल्कुल ना लगे। भाई चलता हूँ, लाइन में लगना है दोबारा। बड़ी लेट महसूस होती है इसे बेइज्जती। Radio City Joke Studio. सलीम कहाँ थे बेटा इतने दिन, दिखाई नहीं दिए। यहाँ पना ATM के लाइन में लगा था, पर यहाँ पना आपके ये माथे पे ये निशान कैसा? ओ ये कल तुम्हारी माँ ने पूछा खुश नसीब का क्या मतलब होता है, तो मैंने फ्लो फ्लो में कह दिया खुश नसीब का मतलब होता है अनमैरिड, बस प्रेशर कुकर उठा के मार दिया। ओहो ये तो बहुत कम मारा है भाई,
क्या कहा? कुछ नहीं, बस आपकी ये हालत देखकर मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा, या तो ठेके पे 500,000 की नोट चलवा दें, या तो बैंक में ही बाटली दिलवा दें। एक साथ दो दो लाइन में नहीं खड़ा हुआ जाता भाई। सलीम, चिल्लाइए मत, नहीं तो दांतों का ढांचा बाहर आ जाएगा और आप बे 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 करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। रेडियो सिटी जोक्स जोक स्टूडियो। ऑलराइट, तो ये सिराज खान अपने अंदाज में इन्होंने पेश किया बॉलीवुड की दास्तां करेंसी बैन को लेकर। अब कल कौन होगा इसके लिए तो आपको 11 से 12 आना पड़ेगा ना। रेडियो सिटी जोक स्टूडियो, मेरे आने की दिव्या के साथ, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। रेडियो सिटी जोक स्टूडियो।